जब फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी भी अंग की टीबी होती है तो इसे एस्टा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जैसे कि रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है, जिसे स्पाइन टीबी कहते हैं, कूल्हे की हड्डी की टीबी हो सकती है, हिप जॉइंट टीबी हो सकती है, या गांठों की टीबी हो सकती है। टीबी एक ऐसा रोग है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। तो जब ये फेफड़ों के अलावा किसी भी अंग की टीबी होती है तो इसे एस्टा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एस्टा पल्मोनरी टीबी में सबसे ज़्यादा कॉमन लिम्फ नोड टीबी होता है। मनुष्य के शरीर में दो सिस्टम होते हैं, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। इसमें जो खून होता है, ब्लड होता है, वो आर्टरी और वेन के मतलब कि धमनी और सिरा से पूरे शरीर में बहता है। और इसी तरह से ब्लड से मिलता जुलता एक दूसरा सिस्टम होता है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें ब्लड की तरह एक फ्लूड होता है जिसे लिम्फ कहते हैं, जो पूरे शरीर में फ्लो करता है और ये वापस आके हार्ट में मिल जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में 700 से 800 गांठें होती हैं जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। ये मोस्टली शरीर के अंदर होती हैं, लेकिन जो गर्दन और बगल की गांठें होती हैं ये कुछ बाहर की तरफ होती हैं, जिसकी वजह से जब इनमें टीबी होती है तो इनमें स्वेलिंग आ जाती है, ये लिम्फ नोड सूज जाती हैं और पेशेंट को भी फील होने लगता है कि गर्दन में ये गांठें कुछ बड़ी हो गई हैं और वो समझ जाता है कि इसमें कोई बीमारी हो गई है और वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर उसे देख के कुछ बेसिक जांचें कराते हैं, जैसे कि छाती का एक्सरे कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, CBC कराते हैं और लिम्फ नोड का, गर्दन की गांठों का अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करते हैं और अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड FNAC भी करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड से देख के सुई की जाँच करी जाती है, उसमें से पानी निकाला जाता है और डायग्नोसिस कन्फर्म की जाती है। जब टीबी का इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर होता है तो ये खून में, ब्लड में भी इसका बैक्टीरिया पहुंच जाता है, जिसे मिलरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ब्लड के रास्ते से होता हुआ ये लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। प्लूरल टीबी, फेफड़ों के बाद लंग्स के बाहर दो कवरिंग या मेम्ब्रेन होती हैं। अंदर जो कवरिंग होती है उसे विसरल प्लूरा कहते हैं और बाहर जो कवरिंग होती है या मेम्ब्रेन होती है उसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में छोटा सा स्पेस होता है जिसे प्लूरल स्पेस कहते हैं। जब भी प्लूरा की टीबी होती है तो इसमें इस कैविटी के अंदर पानी भर जाता है या फ्लूड भर जाता है, जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं और इससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार आता है और टीबी के जो भी लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। टीबी की डिटेल्स मैंने अपने पिछले वीडियो में ले चुकी हूँ, उसको आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाने पे डॉक्टर चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं, ब्लंटिंग ऑफ CP एंगलेज अर्लीस्ट साइन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, फ्लूड ऑलवेज राइजेज इन एग्जिला अलॉन्ग एंटीरियर चेस्ट वॉल विथ कॉनकेव अपर बॉर्डर, मासिव प्लूरल इफ्यूजन प्रोड्यूस कंप्लीट ओपेसिटी ऑफ लंग विथ शिफ्टिंग ऑफ द मिडस्टाइनम। स्केलेटल टीबी कॉमन इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, इसमें वेट बियरिंग जॉइंट जैसे कि स्पाइन, हिप्स और नी जॉइंट मेनली इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो स्पाइन की, डॉर्सल स्पाइन या लंबर स्पाइन की टीबी हो सकती है, जिसमें जो वर्टिब्रल बॉडी होती है, जो वर्टिब्रा होता है उसका कोलेप्स हो जाता है, उसकी हाइट डिक्रीज हो जाती है और स्पेस दोनों वर्टिब्री के बीच में जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। इसके आसपास इसमें जो फ्लूड होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे सॉस एब्सेस कहते हैं। हिप जॉइंट टीबी होने पे, कूल्हे की हड्डी की टीबी होने पे पेशेंट को चलने और दौड़ने में दिक्कत होती है, साइड पे पेन शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। जेनाइटल टीबी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब भी किसी कपल को शादी के बाद बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर जेनाइटल टीबी को रूल आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर जो लाइनिंग होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। और यूट्रस के बाहर जो दो नलके होते हैं, एक राइट साइड में राइट फैलोपियन ट्यूब होती है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब होती है,
दोनों ट्यूब्स या फेलोपियन ट्यूब खुली हैं या बंद हैं, पेटेंट हैं, इसको चेक करने के लिए एक स्पेशल जांच करनी पड़ती है जिसे HSG यानी हिस्टीरियोसाल्पिंजोग्राफी कहते हैं। इसमें एक कंट्रास्ट डाल के रंगीन एक्सरे करे जाते हैं और दोनों ट्यूब देखी जाती हैं कि कौन सी ट्यूब खुली हुई है। जब फेलोपियन ट्यूब की टीबी होती है तो उसकी वजह से जो नली होती है जो बहुत पतली धागे जैसी होती है उसमें रुकावट आ सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो जिसकी वजह से स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं हो पाता है, ये दोनों नहीं मिल पाते हैं और इसकी वजह से बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। जेनाइटो यूरिनरी टीबी, टीबी जब किडनी की होती है या यूरेटर की होती है तो उसमें पेशेंट को बार बार पेशाब आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होता है और पेशाब के साथ साथ ब्लड भी जा सकता है। GIT टीबी या आंतों की टीबी, आंतों की टीबी तीन तरीके से हो सकती है जिसमें सबसे जो कॉमन या पहला तरीका है उसमें जब भी टीबी का मरीज स्पुटम या बलगम को सॉलो कर लेता है, गलती से बलगम को अंदर ले लेता है, मुंह के अंदर से ले लेता है तो वो उसके बैक्टीरिया आंतों में पहुंच जाते हैं और उसकी वजह से आंतों की टीबी हो जाती है। दूसरा तरीका जो है उसमें टीबी के बैक्टीरिया ब्लड से होते हुए आंतों में पहुंच जाते हैं और आंतों की टीबी हो जाती है। अगर किसी गाय को टीबी होती है जिसे बोवाइन टीबी कहते हैं और उस बोवाइन टीबी वाली गाय का कोई कच्चा दूध कोई इंसान पी लेता है तो उस इंसान को भी टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टीबी से अपने आप को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं इसका मैंने डिटेल्स से पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको जाके सुन सकते हैं। और बाई चांस अगर टीबी हो जाता है तो आपको अपना इलाज पूरा करना है, एक भी दिन की दवाई मिस नहीं करनी है, डॉक्टर से बगैर पूछे ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है। एस्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है उसमें इलाज थोड़ा लंबे समय तक चलता है, ये 1 से 2 साल का भी समय हो सकता है। आपको डॉक्टर से बगैर पूछे अपना इलाज बंद नहीं करना है, अपनी केयर खुद ही करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी स्टे सेफ।